प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार बताना कि आवाज आ रही है क्या? एग्जाम का बेटा कुछ कह नहीं सकते अभी, कुछ आइडिया नहीं है। हाँ हाँ क्लास को देखो जरा। मैं अभी आपके ना कमेंट ऑन करके फिर स्क्रीन पे आता हूँ। बेटा सब बच्चों को गुड मॉर्निंग, जिनके भी मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है ना? ठीक है बेटा, आवाज़ वगैरह सही आ रही है? आज बेटा आपका है प्रैक्टिस सेट 25, जो सुपर 30 प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका। चलो बेटा, संतोष, वीरू, ज्ञानलाल, राम नरेश, मुकेश। हाँ छत्तीसगढ़ पुलिस का क्लास लोगे क्या सर? बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस के बच्चे कितने हैं इस पे डिपेंड करेगा। क्या बच्चे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के? मैं लिख लेता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ, है ना? एक कॉपी ढूंढ लूँ मैं। मिल गई, मनु मैम वाली कॉपी ले लेते हैं यहाँ से। यही छत्तीसगढ़ पुलिस। बेटा कम से कम हमारे पास 100 बच्चे हों कोई भी क्लास या कोर्स स्टार्ट करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, लूडो से विनोद। हाँ परवीन, रोहित। हाँ रोहित, ठीक है बेटा देखते हैं। हम मॉक टीम से पूछता हूँ बेटा, मेरे को दिक्कत नहीं आती, उनको दिक्कत आती है। मेरे को क्या दिक्कत है बेटा? हाँ अच्छा, दीपक। हाँ हरियाणा से, कौन है ये? HR22 SSB का बेटा। देखो अभी कुछ आइडिया, कोई न्यूज़ आई नहीं है, कोई किसी से सोर्स से सुनते हैं तो हम बता देते हैं। हाँ पोल किस चीज़ का लगवाना है बेटा? SSB एग्ज़ाम कब? छत्तीसगढ़ के मेरे ख्याल से ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, पोल लगाने की इसमें क्या ज़रूरत है? आप वैसे ही बता दो, हाथ ऊपर करके बता दो, जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो एक बार ऐसे हाथ करके बता दें, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। शुभम हो जाएगा बेटा। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ इसमें हमारे पास पहला एक बेटा थोड़ा सा ना क्लास बीच में क्या है कि हमने एक क्लास उस पे की थी एप्लीकेशन पे, जो हमारा एक टॉपिक था भारत स्टेज, जो BS इंजन जो होते हैं ना उसके बारे में एक डिटेल क्लास की थी। क्योंकि हम कंटेंट की क्लास हैं वो एप्लीकेशन पे करते हैं, तो इसलिए बीच में वो करनी पड़ी। कुछ क्लासेज और भी बीच में करनी पड़ेंगी, तब YouTube पे क्लास ऑफ रहेगी। वो क्लास सेम समय 7 बजे ही वहाँ पे होगी एप्लीकेशन पे। कई बार बच्चे लिखाते हैं कि सर इस टॉपिक पे कराओ, एक धाराओं पे क्लास बच्चों ने बोला था, तो ऐसे कुछ कुछ उसमें बीच में करवाऊंगा। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचना मिल जाया करेगी। ठीक। और दूसरा बेटा, क्लास कई बार देरी से हो जाती है और कुछ वर्कलोड का रीज़न है। कुछ अभी एक AMRS का एग्ज़ाम पास में आ गया है, जो मैं, और एग्ज़ाम जब पास आता है तो वर्कलोड पड़ता ही पड़ता है। आपको पता होगा NCL का एग्ज़ाम आया था, तो उस टाइम NCL में मेरे को ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा था थोड़ा। हाँ मैराथन वगैरह लेनी पड़ी थी, तो वैसे AMRS का एग्ज़ाम आया है, उसकी 3 मैराथन तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, अभी और मैराथन भी लेनी है। तो थोड़ा सा उस वजह से बाकी एग्ज़ाम की तरफ ध्यान रियल में ही कम है, मैं मानता हूँ। बट जैसे ही AMRS का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हो जाता है, तो 17 दिसंबर को मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद ITV पे ध्यान ज़्यादा आ जाएगा। ठीक। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंजन की पूरी तरह से मरम्मत, मतलब उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत है, वो कब पड़ती है बताओ? रिपेयर कब कराएं? पुअर कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हवा को और ऑयल को, आपका जो दूसरा स्ट्रोक होता है, सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट में, फर्स्ट वाला कौन सा होता है बेटा?
सक्शन स्ट्रोक होता है जिसमें कि आपका हवा तेल पानी अंदर लिया जाता है। दूसरा फिर कंप्रेशन स्ट्रोक मारेंगे जिसमें उसको दबा दिया जाता है, गर्म किया जाता है दबा के। तीसरे स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होता है, आपकी आग जलती है, दहन होता है। और चौथे में एग्जॉस्ट, जबकि धुआं गैस वगैरह बाहर निकलती है। तो बात कर रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में इसको हवा को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा उस तेल की आग सही से जलेगी और उसका पूरा यूज़ होगा, तेल का पावर पूरी पैदा होगी, ठीक है ना। तो पुअर कंप्रेशन का मतलब यही है कि हवा कंप्रेस पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। हाँ अच्छा तरुण शर्मा, हाँ बिल्कुल बेटा मेरी भी ऐसी हालत है। तो पुअर कंप्रेशन के कारण इंजन में कुछ खराबी आ गई है और आपकी ताकत पूरी मिल नहीं पाएगी। एक ये रीज़न है कि आप रिपेयर कराना चाहोगे उस, ठीक। मैकेनिकल फेलर हो गया कोई, मैकेनिक मतलब क्या होता है, पुर्जे। अब ये कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है, अब पुर्जा कोई ख़राब हो गया तो भी क्या कराओगे आप, रिपेयर कराओगे। अच्छा लुब्रिकेशन जो है वो अत्यधिक खपत होने पर, ठीक है। आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो पुर्जों को चिकना बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है ना, ताकि पुर्जे आपस में रगड़ खा के टूटे फूटे ना। अब वो बहुत ज़्यादा खपत हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आपका जो इंजन है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को या तो यूज़ कर रहा है, फिर उस स्थिति में भी आपको रिपेयर कराने की ज़रूरत है। और तो ये सारी चीज़ें ही आ गई आपकी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका देखो बेटा, आपका जो ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल वर्ड क्यों पड़ा, कभी आपने सोचा कि इसका नाम ऑटोमोबाइल ही क्यों रखा गया। ऑटोमोबाइल नाम को आप अलग अलग करके देखिए, पहला वर्ड लिख देते हैं ऑटो और दूसरा वर्ड लिख देते हैं मोबाइल। मोबाइल तो आप जानते ही हो, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है कि आप मान लो मतलब गति कर सकें, ठीक है ना, हाँ गति कर सकें, आप मूव हो सकें, जो चीज़ डायनामिक हो, ठीक है, जो स्थिर ना हो, है ना, इसका मतलब ये होता है। हाँ तो मोबाइल मतलब घूमते फिरने वाला, मूव कर सके तो, ठीक है, मूवमेंट्स। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक, कहते हैं ना ऑटोमेटिक ही ऐसा हो रहा है जी, मैंने कुछ नहीं किया। ऑटोमेटिक का मतलब ये हो गया कि बिना शारीरिक शक्ति, ठीक है। कैसे, अगर आपको पैदल जाना है तो शरीर की शक्ति फिजिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, साइकिल से जाना है फिजिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी, बैलगाड़ी से जा रहे हो तो बैल को फिजिकल एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि आप उसके ऊपर बैठ जाओ, गियर वेयर जो भी लगा दो वो ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा, आपको एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, ऑटोमोबाइल पड़ गया, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स का क्या प्रयोजन है, आपकी गति में परिवर्तन करना, यही इसका आंसर है। गति जो है वो कम या ज़्यादा करनी है तो गियर का उपयोग आप कर लेते हो। टॉर्क में परिवर्तन करना, टॉर्क में भी परिवर्तन हो जाता है, छोटे गियर में वो परिवर्तन करना नहीं होता आपको, वो छोटे गियर में अपने आप ही टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। पर हो सकता है किसी जगह दोनों ऑप्शन आ जाए, गति व टॉर्क, ऐसा ऑप्शन दे दिया हो तो वो भी आपका सही रहेगा। आपका ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, ए में कह दे गति में परिवर्तन, बी में कह दे टॉर्क में परिवर्तन और सी में कह दे दोनों, उस स्थिति में हम क्या करें, उस स्थिति में हम फंस जाएंगे। तो उस स्थिति में दोनों वाले पे लगा दो, क्योंकि गति और टॉर्क दोनों में परिवर्तन आप गियर की मदद से कर सकते हो, ठीक है। स्थाई रूप से गति में कमी करना, ये तो ब्रेक ही कर पाएगा, वो तो बिल्कुल रोक ही देता है। अच्छा जब इच्छा हो आप इंजन से पहियों को अलग कर दो, इंजन की जो पावर है बेटा वो पहियों तक जाती है, ठीक है। और ये किस माध्यम से जाती है बेटा, इंजन से, इंजन से आपकी जाएगी, एक तो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील किससे जुड़ता है बेटा, क्लच से, क्लच की गियर से जुड़ती है, गियर प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ती है, प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है वो जुड़ती है डिफरेंशियल से, डिफरेंशियल जुड़ता है एक्सल से, एक्सल जुड़ते हैं आपके व्हील से, इस हिसाब से पावर पूरी गई। सर मैं आज आपकी क्लास मामा जी के घर पे ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर शादी
है। अच्छा शादी में गए हुए हो। हाँ तो इसमें बेटा देखो ऐसे करके पावर गई, इसमें पावर को अलग करना है तो वो कौन कर सकता है, कहाँ से अलग होती है, बीच में कोई और तरीका नहीं है, ये क्लच ही ऐसी सिस्टम होती है जो इस सिस्टम को अलग कर देती है, ठीक है ना। यहाँ इंजन से स्टार्ट होती है ना, इसको अलग कर देती है। तो ये डी ऑप्शन क्लच की बात कर रहा है, हम जो बात कर रहे हैं गियर बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। डॉट थ्री क्या है बेटा बताओ। हाँ इसरो के लिए, इसरो में क्या पढ़े बेटा, इसके लिए मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करें। डॉट थ्री इज द ग्रेड ऑफ बताओ ब्रेक फ्लूड का। सही कह रहे हो आप, ब्रेक फ्लूड जो है स्पेशली आप हाइड्रोलिक ब्रेक पे जो काम करते हो, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है वो किस पे काम करता है बेटा, वो आपका जो पास्कल का दाब सिद्धांत है उस पे काम करता है। दाब सिद्धांत का मतलब क्या है कि दबाव देना, आप यहाँ से दबाव मारोगे वो दबाव आगे तक जाएगा, ठीक है। और दाब जो जाता है बेटा वो द्रव से जाता है, लिक्विड से। क्यों जाता है, जो द्रव होता है ना द्रव वो कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता। एयर जो होती है, एयर को तो कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ब्रेक सिस्टम में जहां एयर ब्रेक यूज होते हैं वहां किसका यूज होता है, कंप्रेस्ड एयर का होता है, पहले से ही कंप्रेस की हुई एयर होती है। वो नॉर्मल हवा होगी तो वो तो कंप्रेस हो जाएगी, तो आगे फायदा ही नहीं होगा। इतनी जगह में आप दबाव मारोगे, आपने पैडल दबाया, हवा इतनी हो गई आगे गई नहीं, अगला सिरा हिलेगा नहीं, तो ब्रेक दबेगा कैसे। पानी या जो ब्रेक फ्लूड सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता, पानी की पाइप है, इधर से फूंक मारो, थोड़ी सी मारोगे उतना ही आगे निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि पानी यूं इतना पानी इकट्ठा होकर इतना हो गया। पानी को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, पानी को जलाया जा सकता है, जला के भी वो भाप बन जाएगा, कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, फिर वापस वो पानी बन के वापस आ जाएगा, यानी पानी ख़त्म नहीं होता, पानी उतना ही रहता है, ठीक। उसका फॉर्म बदल जाता है कि या तो वो ठोस अवस्था में होगा तो बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है, गैस अवस्था में होगा तो भाप बन जाएगा, और नहीं तो फिर पानी है ही वो। तो इसलिए लिक्विड को ही चुना गया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के लिए। उसमें क्या है कि आप इधर से दबाव मारोगे, ब्रेक फ्लूड पाइप में भरा हुआ है, यहाँ से दबाया, ब्रेक फ्लूड इधर गति करेगा, आगे जाके जहाँ उसका लास्ट पॉइंट होगा उसको वो धक्का मारेगा फ्लूड, जैसे बाढ़ धक्का मारती है ना, बाढ़ जब आती है तो सारे बांध वाहन तोड़ देती है ना, कंप्रेस नहीं होती, वो आगे धक्का मारेगा किसी पुर्जे को, आगे वाला पुर्जा फिर उसको रोक देगा, ऐसे काम करता है, ठीक है। हाँ तो ब्रेक फ्लूड जो होता है उसमें ब्रेक फ्लूड का यूज़ होगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। अब ब्रेक फ्लूड होगा कैसा, ठीक है, ब्रेक फ्लूड के लिए बेटा यूएसए में पानी देना मनो, यूएसए में एक है डिपार्टमेंट, ठीक है, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप डॉट, ठीक है। और इन्होंने क्या निकाला बेटा, इन्होंने निकाला ये आपका ब्रेक फ्लूड ऑयल, ब्रेक फ्लूड ऑयल। इसकी कैटेगरी कैसे बनती गई, पहले डॉट निकाला, फिर उसके बाद डॉट टू निकाला, फिर डॉट थ्री निकाला, फिर डॉट फोर निकाला, और फिर डॉट फाइव निकाला, और उसके बाद फिर डॉट 5.1। इसकी आगे भी कैटेगरी आ गई है, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे प्रचलन में, पर वो एडवांस है, अभी प्रैक्टिस में इतनी आई नहीं है। अच्छा, चाय बनाते बनाते भाई यार होता से यार, एक कप चाय भेज दो। हाँ ठीक है। अब इसमें ये डॉट नाम तो पड़ गया आप कह रहे हो, अच्छा इन्होंने जो बनाया इसमें कैटेगरी बढ़ती क्यों गई, इसमें ब्रेक फ्लूड में ये कैसे। हाँ कल बेटा कैंसिल हुई थी, ये बढ़ती कैसे गई कि देखो
आपका जो जैसे जैसे आप यूं नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो इसका ज्वलनांक है ना, ज्वलनांक वो बढ़ता जाएगा, ज्वलनांक बढ़ता हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्वालिटी बढ़ती गई, क्वालिटी को बढ़ाते गए, क्वालिटी आपकी बढ़ती गई। जैसे आप BS नहीं देखते, BS1, BS2, BS3, BS6 इंजन जो हैं ये सब देखते हो, ऐसे स्टेजेस बढ़ती गई, क्वालिटी इंप्रूव करते गए। अब जो डॉट से डॉट 2, डॉट 3 में, मतलब जो उसका ज्वलनांक पॉइंट है ना, वो मतलब उसमें आग जो पकड़ेगा ना, वो मतलब और हाई पॉइंट पे पकड़ेगा, तो अच्छी बात, आग नहीं लगेगी उसमें। ये आग लगाने के लिए वैसे होता भी नहीं, आग लगाने के लिए पेट्रोल डीजल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, जल्दी से उसमें आग वाग ना लग जाए गाड़ी में, गाड़ी के अंदर सिस्टम में। ठीक है, दबाव प्रेशर तो होता ही होता है। हाँ बेटा, मैराथन अभी नहीं करा पाऊंगा बेटा, मैराथन देखो 17 दिसंबर को EMRS का पेपर है, वह भी उन्हीं के लिए मैराथन में लगा हुआ हूँ, 17 दिसंबर के बाद आपकी मैराथन करवा दूँगा। हाँ ठीक है। अच्छा, देसी ब्लॉग हरियाणवी सर, नेपाल से राम राम। नेपाल में रहते हो बेटा आप? हाँ, डॉट का मतलब है बेटा ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये है डॉट का मतलब, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट है, इन्होंने स्टार्ट किया था और सब देशों में ये यूज़ होता है। ठीक है, ये ग्रेड है ऑयल की, ये बेटा डॉट क्या है, ये ग्रेड है। जैसे आपकी ग्रेड होती है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, डॉट डॉट टू, डॉट थ्री, डॉट फोर से पता चलता है कि किस ग्रेड का आपका ब्रेक फ्लूड ऑयल है। जितनी ज़्यादा ग्रेड होगी उतना बढ़िया होगा। ठीक, इनमें बेटा ग्लाइसोल का यूज होता था, और ये जो डॉट 5 निकाला था इसमें सिलिकॉन का यूज़ करने लगे थे वो, जो कामयाब नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ तो फिर डॉट 5.1 निकाला, इसमें सिलिकॉन थोड़ी सी कम की गई, पर उसके बाद भी इतना कामयाब ये हुआ नहीं। तो इसलिए जनरली आपका जो यूज़ होता है वो डॉट 3 और डॉट 4 ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाले यूज़ में, ये वाले यूज़ में जाता है। यानी शायद सुनने में आया डॉट 7 भी निकाल दिया है, पर इतना यूज़ वो हो नहीं रहा है। ये जो है बेटा ये पुराने हो चुके हैं, अब इतना इनका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आजकल डॉट 3 और डॉट 4 का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक बेटा। हाँ बेटा, परवीन अभी नहीं करा पाऊंगा, 17 दिसंबर के बाद आप कोई भी डिमांड रख लेना आपकी, हाँ वो पूरी हो जाएगी, चाहे 500 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो। हाँ, 500 क्वेश्चन का फ़ायदा नहीं है बेटा, 500 क्वेश्चन बच्चे जनरली इतनी लंबी क्लास 12 घंटे की देखते नहीं है, वो तभी देखते हैं जब पेपर पास आ गया हो। अभी मैं 500 क्वेश्चन की कराऊंगा अभी, तो पता चलेगा लास्ट में, आप प्रवीण देख रहे हो, अफसल देख रहा है, एक रोहित शायद देख लेगा, 4 बच्चे देख रहे होंगे लास्ट में जाके, 3-4 घंटे ही मुश्किल से बच्चे देखते हैं अभी, जो मेरा अनुमान है बेटा। हाँ ठीक बेटा, 17 दिसंबर तक आप वेट कर लो, EMRS का एग्ज़ाम है, उसके बाद आप बच्चों का जो मॉक सीरीज है, जो बुक है और जो मैराथन है, सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाएंगी, क्योंकि मेरे पास वक्त होगा फिर। हाँ, अभी वक्त की बहुत कमी है। अच्छा, तो डॉट 3 जो है किसका है बेटा, ब्रेक फ्लूड का हो जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ इसमें कि इंजन जो है क्रैंक तो कर रहा है, जो क्रैंक सापट है आपकी, तो वो तो काम कर रही है स्टार्ट करते हो तब, पर फिर भी वो चालू नहीं हो रहा, तो क्या गड़बड़ी हो सकती है? क्रैंक कर रहा है मतलब क्रैंक सापट जो है वो हिली, तो वो तो किससे हिल जाएगी बेटा? क्रैंक सापट आपकी हिल जाएगी स्टार्टर मोटर से, स्टार्टर मोटर जो बैटरी से काम करती है। हाँ, स्टार्टर मोटर का काम यही होता है कि एक बार उसको ऊर्जा देके और गाड़ी को स्टार्ट कर दो। पर आगे अगर इसके पुर्जे उर्जे खराब है, दिक्कत खराब है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी फिर। हाँ, क्योंकि बैटरी सिर्फ ऊर्जा देती है। हाँ ठीक है बेटा, मैं वो भूल गया, काम एक्चुअली ज़्यादा रहता है, DB ड्राइवर गूगल फॉर्म। हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने वीडियो में बोला भी था, मेरा भी यार काम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हाँ एग्ज़ाम का बेटा अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ अब इसमें देखो, इसमें बेटा क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि इग्निशन प्रॉब्लम, उसमें आग ही ना जल पा रही हो, ये भी हो सकता है बेटा बिल्कुल। ओवर चोकिंग, जो आप चोक लगाते हो, तो चोक लगाने में क्या होता है कि आपकी हवा बंद हो जाती है, बहुत कम हो जाती है,
और पेट्रोल की मात्रा ही फिर ज़्यादा आती है, तो इसलिए गाड़ी ठंड वंड के मामले में चोक लगाने से स्टार्ट हो जाती है जल्दी, ठीक है, क्योंकि आपको हवा की बजाय पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है इन रेशो में। ओवर चोकिंग का मतलब ये कि आपने चोकिंग का पुर्जा वुर्जा ख़राब हो गया कुछ ना कुछ, और आप चोक लगा रहे हो या ना लगा रहे हो तो भी चोक लगा हुआ है, या फिर चोक लगा रहे हो तो ज़्यादा लग गया, हवा बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ही हवा ना आए, अकेला पेट्रोल है तो कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको पता है हवा के बिना तो आग जलती नहीं है। आप एक दिया जलाओ और दिया जला के उसको ना गिलास ऊपर रख दो उसके, दिया अपने आप कुछ देर बाद बुझ जाएगा क्योंकि उसको हवा जब नहीं मिलेगी, तो हवा ज़रूरी है। आग जलाते हो चूल्हे में, कई बार आप देखते हो ना फूकनी से फूक मारते हो आग एकदम तेज़, जितना फूक मारोगे उतना तेज़ पकड़ लेगी आग, तो हवा तो ज़रूरी है। ओवर चोकिंग में क्या होगा बेटा, हवा हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा कम या बंद हो जाएगी तो फिर आग नहीं जलेगी, तो ये भी एक रीज़न है। अगर गाड़ी में तेल ही नहीं है और बैटरी आपकी बहुत अच्छी है तो तेल के बिना गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, वो स्टार्ट ऐसे आवाज़ सी करेगी और बंद होती रहेगी, तो ये सारे ही रीज़न हो सकते हैं आपके। अच्छा, आपका जो ब्रेक फ्लूड अभी हम पढ़ रहे थे, ब्रेक फ्लूड में आपका जैसे DOT 3 है, DOT 4 है, ये किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर, ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? आपका एक ऑप्शन है वाटर एल्कोहल का, ऑयल और ग्लिसरीन का, ग्लिसरीन और वाटर का, एल्कोहल एंड ग्लिसरीन का, इतने ऑप्शन दिए हैं बेटा, किस चीज़ का होता है? हाँ बेटा, मैराथन तो लगाएंगे इसमें तो कोई। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एड वाला एक क्वेश्चन था, उसमें 1879 और 1979 दो आंसर ऐसे 2 दिनों में अलग अलग हो गए थे। अभी मुझे बेटा क्वेश्चन तो ध्यान नहीं, मुझे जहाँ तक इतना याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 1879 में इसका प्रथम प्रयोग हुआ था, प्रथम प्रयोग हुआ था, और 1979 में इसको आधिकारिक रूप से अपनाया। दोनों बातों में फ़र्क है ना, एक शब्द लोग यूज़ करने लगे फर्स्ट एग, और एक उसको आधिकारिक रूप से नाम दिया जाए, अपनाया गया, आधिकारिक रूप से अपनाया गया, ये फ़र्क है शायद बेटा। ये 2 क्वेश्चन थे, उसको ध्यान से देखना। हाँ, ये था वो कन्फ्यूज़न, आधिकारिक रूप से 1979 में अपनाया गया, इसलिए इनके आंसर 2 अलग अलग थे। क्वेश्चन बेटा हाँ करवा देंगे। ऐप पे बेटा प्रैक्टिस सेट की PDF तो डाली जा रही है, प्रत्युष मुझे टीम बता रही थी। हाँ, मैं लिख लेता हूँ, ITBP PDF। बाय मन्नू। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बेटा CRPF का, बेटा कोई अता पता ही नहीं है, क्या बताऊँ मैं। हाँ, CRPF का सच में कोई अता पता नहीं है बहुत दिनों से। इसमें देखो, अब ये वाले में बड़ा मुश्किल है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसके अंदर आमतौर पर यह है कि कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं। जो ब्रेक फ्लूड होता है उसमें ग्लाइसोल होता है, कोई ग्लाइसोल नामक, ग्लाइसोल जो होता है वो ग्लिसरीन का ही एडवांस रूप होता है, ग्लिसरीन का थोड़ा सा एडवांस रूप होता है, कुछ और उसमें चीज़ें मिली होती हैं। तो एक तो चीज़ है, या तो ग्लाइसोल दिया हुआ है तो वो आंसर ठीक है, ग्लाइसोल नहीं दिया तो ग्लिसरीन दिया हुआ है वो ठीक है, ठीक है, ग्लिसरीन दिया है, ग्लिसरीन अकेला नहीं दिया इसमें, ग्लिसरीन के साथ क्या है, ऑयल है, ऑयल कौन सा, ये तो कोई कन्फ्यूज़न। अच्छा, ग्लिसरीन इसमें है ही नहीं, एल्कोहल एंड वाटर, ये सही ऑप्शन नहीं लग रहा, ग्लिसरीन एंड वाटर करें या ग्लिसरीन एंड एल्कोहल करें, तो इसमें ये ज़्यादा ऑप्शन बेटा सही लग रहा है, हालांकि क्लियरली कहीं भी इस क्वेश्चन को बताया नहीं गया है, डी थोड़ा ठीक लग रहा है इसमें। हाँ, ऑयल और ग्लिसरीन नहीं आएगा बेटा। बेटा 92.5 क्वेश्चन थे, फिर भी CASF फायर में नहीं हुआ बेटा रुद्र, ऐसा कैसे? 92.5 क्वेश्चन, CASF फायर का पेपर कितने का था? 100 का ही होगा ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, आपका जो AC सिस्टम होता है उस वो ताज़ा हवा लेता है, ठीक है। हाँ, ताज़ा हवा को फिर क्या करता है बेटा, वो ठंडी करता है,
ठीक है, उस ताज़ा हवा को वो कंप्रेस भी करता है और फिर वो गाड़ी में छोड़ता है। तो दी ताज़ा हवा आती कहाँ से है, बात ये आ जाती है आपकी। रेडिएटर से तो हवा आती है, वो मान लो पानी को ठंडा करती है, कूलेंट को ठंडा करने के लिए, है ना, वहाँ पे यूज़ होती है। वो एसी तक आने का कोई जरिया नहीं है, एसी बहुत दूर होती है। आगे के बम्पर के नीचे से एक ऑप्शन है, वायु शील्ड की तहल से, जो विंड शील्ड होती है ना, विंड शील्ड, उसका बेस से। तो ये ज़्यादातर गाड़ियों में बेटा यहाँ से होती है, जो विंड शील्ड लगी होती है ना उसके आगे आप देखोगे ये ऐसे लगी होती है विंड शील्ड ऊपर। यहाँ से फिर आपका शीशा होता है, ये विंड शील्ड का बेस है, और यहाँ पे कुछ लाइनें से बनी होती हैं, यहाँ देखोगे ऐसे, यहाँ से वो एयर लेती है, ठीक। बम्पर के नीचे से, बम्पर के नीचे से कहाँ से लेके बेटा वो? मैंने काफ़ी जगह देखा था, तो काफ़ी गाड़ी, काफ़ी जगह यही ऑप्शन बताया हुआ है कि जो विंड शील्ड होती है ना उसके बेस पार्ट से वो हवा लेती है। बेटा उस बुक में चक्षु में ग्लिसरीन और ऑयल बताया है बेटा, इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। पहली बात यह है कि इसके कंपोनेंट जो मिलते हैं ना वो केमिकल फॉर्म में मिलते हैं, बहुत सारे C2H6 ये वो ये बना के मिलाया जाता है। क्लियरली उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ग्लिसरीन और किससे मिलाया जाता है। पहली बात तो बता दूँ, ग्लिसरीन अलग चीज़ है, ग्लिसरीन से नहीं मिलाया जाता। वो ग्लिसरीन खुद कुछ तत्वों से बनी होती है, ठीक है, एल्कोहल खुद कुछ तत्वों से बनी होती है। वैसे ये जो DOT 3 और ये ऑयल जो बनाए जाते हैं ना, तो वो अलग अलग तत्वों को मिला के बनाए जाते हैं, पूरी तरह से वो ग्लिसरीन भी नहीं होते। हाँ एसी की हवा मान लो बेटा, मैं लिख लेता हूँ, एसी हवा कहाँ से लेता है बेटा? अलग अलग बुक में अलग आंसर है, मैंने इसको इंटरनेट पे चेक किया, काफ़ी वेबसाइट पे देखा, वहाँ पे ये आंसर दिया हुआ था, पता नहीं क्यों दिया हुआ था। हाँ इसको मैं फिर चेक कर लेता हूँ, हाँ इसका मैं कंफर्म आंसर पता करके आपको फिर बताऊँगा, ठीक है, हाँ कंफर्म कर लूँगा और भी चेक करके। जो ब्रेक सिस्टम होता है उसके द्रव चालित भाग होते हैं, उसको किससे धोना चाहिए? हाँ ब्रेक सिस्टम को, इसके आंसर भी कई सारे मिलेंगे बेटा आपको। हाँ इसमें एक ऑप्शन है एल्कोहल, एक ऑप्शन है थिनर, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसी में रहती है। हाँ ब्रेक फ्लूड तो खुद ही हो गया, गैसोलीन आपका पेट्रोल को कहते हैं, तो सी और डी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, कन्फ्यूज़न इसमें रहेगा थिनर और एल्कोहल में। कई बुक में बेटा थिनर आंसर दिया हुआ है, कई बुक में एल्कोहल आंसर दिया हुआ है जिसका। एल्कोहल से बहुत सारे पुर्जों को धोया जा सकता है, बहुत कॉमन यूज़ हो सकता है एल्कोहल का। हाँ अच्छा बेटा करण, हाँ चाय आ गई, हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने थिनर बताया था, बुक में ही थिनर था। इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ठीक है, हाँ तो इसमें बुक में थिनर बताया था, रिसर्च करने में पाया गया कि कहीं पे तो अल्कोहल बता रखा है, ठीक है, कहीं पे इसका थिनर बता रखा है आंसर। इवन ये मान लो इंटरनेट पे आप देखो तो इंटरनेट पे भी यही हाल था। अब फिर कन्फ्यूज़न हो गई कि कौन सा माने फिर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये देखता हूँ कि थिनर होता क्या है। मैंने फिर ये सर्च नहीं किया कि इसको किससे धोएंगे, ये नहीं सर्च किया, मैंने कहा इससे बात नहीं बनेगी, इससे तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं गूगल पे ये डालता हूँ कि थिनर क्या होता है, थिनर का प्रयोग किस लिए होता है, ये डालता हूँ। फिर मैंने थिनर डाला, थिनर का प्रयोग डाला, तो ये पता चला कि ये जो पेंट होता है ना, पेंट पेंट को वॉश करने के लिए होता है, यानी कि पेंट जो है, पेंट को आप साफ करना चाहते हो कहीं से, तो उसके लिए होता है। तो मुझे फिर सही नहीं लगा कि जो चीज़ पेंट को साफ करने के लिए यूज़ हो रही है, गाड़ी के पेंट को साफ करने के लिए यूज़ हो रही है, उसका यूज़ मतलब जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है उसके पुर्जे धोने में हो, तो मुझे थोड़ा सा सही कम लगा। फिर उस हिसाब से फिर मुझे आंसर थोड़ा सा बेटर ये लगा एल्कोहल वाला, कि अगर धोना है तो। एक बात और बता दूँ, मैकेनिकल जो चीज़ें हैं उसके आंसर बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि जो ये मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ भी जुगाड़ से कुछ भी धो सकता है, किससे धोए, हमेशा एक से ज़्यादा आंसर उसके होते ही होते हैं यूज़ करने के लिए। हाँ थिनर तारपिन का तेल होता है। बोर्ड का आंसर बेटा किसी एग्ज़ाम में मुझे मिला नहीं है, आया हुआ, इसलिए ध्यान नहीं है मुझे। हाँ ठीक,
अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा आपका गतिपालक पहिया या फ्लाई व्हील जो होता है उसका क्या उपयोग है। ठीक है, अच्छा इसमें रिंग गियर लगा होता है जिसको स्टार्टर मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्टर मोटर से इंजन को हम चलाएंगे तो उसके लिए तो नहीं, ये तो मान लो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, पिस्टन काम करने लग जाएगा, उसके बाद क्रैंक शाफ्ट चलेगी, क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा होता है। ठीक है, तो क्रैंक धुरी के कंपनों को अवशोषित कर लेता है, क्रैंक जो होती है ना वो सही से गोल घूमती रहे, पिस्टन की इस गति के कारण वो कंपन ना करे। दूसरा ऑप्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इंजन को क्लच के माध्यम से गियर से जोड़ता है। ठीक है, हाँ ये भी सही है, बी और सी। ठीक है, तो इसमें बी और सी ऑप्शन बेटा ज़्यादा सही हैं। ठीक है, ए ऑप्शन को हम पूरी तरह से तो ठीक नहीं कह सकते, स्टार्टर मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाँ, तो बी और सी ज़्यादा सही है, तो इसलिए हम इसमें डी ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बेटा, ECU होता है बेटा, ये ECU इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट जो होती है, हाँ वो इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त करती है। ठीक है, किससे प्राप्त, इग्निशन स्विच जो होता है आपका, जहाँ पे आप चाबी लगाते हैं, जहाँ चाबी आप लगाते हैं, चाबी लगाते हैं तो ECU को पता चलता है कि आप चाबी लगा रहे हो, मालिक आ गया, गाड़ी के अंदर बैठा है, स्टार्ट करना चाहता है, तो वो फिर आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। हाँ, आगे के पुर्जे चलाने स्टार्ट कर देगा। रेडिएटर कैप का मुख्य काम क्या है? ठीक है, एक तो है एक्सेस कूलेंट जो होता है उसको भेजना, नहीं एक्सेस ज़्यादा कूलेंट कैसे भेजेंगे, जितना आया है उतना ही तो भेजेंगे। हाँ, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द हीटर कोर। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, हाँ उसको कंट्रोल करना, बिगड़ जाने से बचाना। अच्छा, एक इन्होंने दिया है, सी तो है ही नहीं बिल्कुल, रासायनिक योगात्मक को तो बिगड़ जाने से बचाना होता नहीं है, और दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के शोर उन्मूलक के कंथनाक में वृद्धि करना। देखिए, आपका रेडिएटर कैप लगा होता है रेडिएटर के ऊपर, उसका कोई काम नहीं है तापमान वगैरह बढ़ाना या जलाना, या ये कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, तापमान वृद्धि आपके इंजन में होती है, इंजन से फिर वो रेडिएटर गर्म होके आपका आता है थर्मोस्टेट वाल्व में, अगर थोड़ा गर्म है तो थर्मोस्टेट वाल्व वापस भेज देती है उसको इंजन की तरफ, ज़्यादा गर्म होता है तो वो रेडिएटर की तरफ भेज देती है। रेडिएटर में ऊपर से वो नीचे की तरफ फिन में बहेगा, वहाँ पंखा हवा देगा, उससे वो ठंडा होगा। तो तापमान बढ़ाने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें कि तापमान बढ़ाएगा, ये सिंपल सी बात ये है कि टू कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द हीटर कोर। ये इतना अच्छा आंसर तो नहीं है ये, बी ऑप्शन भी। हाँ, पर ये है कि मान लो इससे आपका ऊपर निकल सकता है, अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो वो निकल जाएगी कैप एकदम, तो कुछ हद तक बी ऑप्शन इसको कह सकते हैं, कैप निकल जाती है ना। हाँ, तो ये कह सकते हैं। दबाव में वृद्धि करना, पर शोर वगैरह तो होता ही नहीं है ना, शीतलक का शोर कुछ नहीं होता, शोर उन्मूलक। ठीक है, हाँ कवथनाक को भी कंट्रोल नहीं करता है ये। हाँ, तो इसमें बी ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक, इसका बताओ बेटा, स्थान पहचान मार्ग चिन्ह, आपको जगह की पहचान हो जाए, वो मार्ग चिन्ह कैसे होते हैं? पहली बात तो ये है, पहचान की बात कर रहा है तो ये सूचना की बात कर रहा है, सूचना मिल गई कि ये गाड़ी, ये स्थान आ गया आपका। ठीक है, सुपोज करो कि जयपुर आ गया आपका। ठीक है, तो जयपुर का बोर्ड लगा होगा वो आयताकार स्थिति में लगा होगा। आयत जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, पहले बात तो आयत वाला ऑप्शन देखो आप, त्रिभुज वाला तो आएगा नहीं, त्रिभुज वाला आएगा नहीं। किनारे नीले रंग के होते हैं, किनारे लाल रंग के होते हैं, नीला रंग आ जाएगा बेटा। ठीक, और अगर हाईवे है तो हाईवे पे हरा रंग भी आ जाता है आप। ठीक, हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें, डी ऑप्शन सही है आपका। दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है? दिल्ली हो बेटा, कहीं भी हो, इसका आंसर है जो वो सेम रहेगा, आपको बताना है कि कितना रहेगा, कितने टाइम तक टेम्पररी जो है उसको चला सकते हो आप, बताओ बेटा।
ये टेम्पररी आरसी की बात कर रहा है। ये बेटा रोहित आपका सही है आंसर। हाँ ये आप सही बता रहे हो, ये वाला। हाँ इसका है ना, इसका आंसर डी ज़्यादा सही आएगा। बस इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा क्या है कि ये नहीं आएगा, ये आपका शीतलक का स्वर वगैरह नहीं आएगा, उन्मूलक नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। हाँ इसमें क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल बढ़ाएगा ये। हाँ प्रेशर पॉइंट बढ़ाएगा, ठीक है। हाँ इंक्रीज, और दूसरा उसको बाहर निकलने से रोकेगा, बाहर निकलने से रोकेगा, ठीक है। ऊपर से मान लो कैप लगी हुई है, तो कैप उसको बाहर ना निकलने दे, उससे रोकेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो आपकी कैप खुल जाएगी और वो निकल जाएगा। प्रेशर कहाँ तक नहीं खुलेगा वो मतलब उसका हिसाब से कंट्रोल होता है कि एक लिमिट तक ना हो। हाँ हाँ ये सही आएगा बेटा, ठीक है। हाँ इसका रोहित का आंसर बिल्कुल सही है, डी आएगा 10वें का। और इसमें बेटा आ जाएगा 1 महीना, ठीक है। ये बात कर रहा है टेम्पररी आरसी की, पंजीकरण है ना टेम्पररी आरसी, ये आपकी 1 माह की बनती है, और नॉर्मल आरसी जो होती है वो आपकी 15 वर्ष की बनती है। उसके बाद रिन्यूअल करते हैं अगर, तो जनरली आपकी 5 वर्ष की और रिन्यू हो जाती है। डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टेट है वो उसको अलाउ करता हो, जैसे दिल्ली में तो अलाउ ही नहीं है इसके बाद। दूसरा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट हो, गाड़ी फिट हो तभी बनेगी, ठीक। अच्छा गोलाकार मार्ग जो होता है उसमें घुसने का अधिकार किसको होता है? गोलाकार मार्ग में मैं एक गोलाकार मार्ग अगर बना लूं, चारों ओर से गाड़ियां आ रही हैं, इसके लिए चौराहा भी बनाया जा सकता था और ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बना लिया आपका, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आप आ रहे हो तो आपको किसको देखना है कि किसका अधिकार पहले है? अच्छा एक जो पहले से ही घुसा हुआ है उसके अंदर, उसका अधिकार पहले होगा जो पहले से अंदर है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो। हाँ ट्रैफिक एंटरिंग इनटू द राउंड अबाउट, ये घुसने वाला है, पहले से घुस चुका है। अपनी दाई ओर का यातायात जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है, आपके दाई साइड है, एक बाई साइड भी है। बाई साइड वाला तो इधर जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यूँ जा सकते हो, पर ये वाला आपसे टकरा सकता है, तो इसलिए दाई ओर जो आपका है ना, अंदर इसके दाई ओर है आपके, और जो अंदर है पहले से ही, तो उसका अधिकार आपसे पहले होगा, उसको जाने दे फिर आप घुसे, ताकि कोई टकराव ना हो। डी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक। इसका बताओ बेटा, लगातार अकेली पीली सफेद रेखा, आपके मैं दो सड़क बनाता हूं, यहां पे पीली भी होती है कई बार रेखा, कई बार सफेद भी होती है। पहले हम सफेद बना लेते हैं, लगातार है तो मतलब बीच में टूटी हुई नहीं है, ये पीली है, ठीक है। टूटी हुई है या टूटी हुई नहीं है इस पे डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन। चलो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। इसमें क्या है कि पार्किंग प्रोहिबिटेड, इसमें पार्क नहीं करना है, स्टॉपिंग प्रोहिबिटेड, स्टॉप नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा पार्क करना तथा रोकना मना है, पार्क करना निषेध है परंतु रोकना निषेध नहीं है, ठीक है। हाँ इसमें ऑप्शन जो है बेटा, मुझे लगता है कि क्वेश्चनों को आगे पीछे हुए हैं इसमें ऑप्शन, है ना, ऑप्शन कोई सही सही नहीं है। हाँ इसका मतलब यही होता है कि आपको इसी साइड में एक तरफ चलाना होता है, आप इस साइड नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो पार्किंग प्रोहिबिटेड इसमें कोई आंसर बनता नहीं है, पार्किंग तो आप, अच्छा अब इसमें ये नहीं दिया कि ये लाइन बीच में है या कहाँ पे है, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो बन नहीं रहे लाइन पार करने वाले, तो एक ऑप्शन और बन सकता है आपका, ये वाला। मान लो ये आपकी सड़क है,
और इसमें लाइन दे रखी है आपको ऐसे, ठीक है। ये लाइन किस लिए होती है बेटा, कि आपको जो भी पार्क वार्क करना है तो वो इधर कर सकते हो, आप इसके अंदर पार्क नहीं कर सकते। अंदर किस लिए होता है बेटा, चलाने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इसका आएगा बेटा ओवरटेक निषेध, बिल्कुल सही है। हाँ, ओवरटेक आप ओवरटेक के लिए पार नहीं कर सकते, ओवरटेक कर सकते हो इससे इधर इधर, ओवरटेक के लिए लाइन पार नहीं कर सकते, ये होता है वो। इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा, हाँ डी आंसर आ जाएगा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा आंसर है, कैसे कि कई बार आपका मान लो ट्रैफिक होता है तो उसमें मना किया जाता है कि आपको अगर पार्क करनी है तो आप येलो लाइन से इधर करेंगे, शहरों के अंदर होता है ऐसा। आप अगर यहाँ पार्क कर देते हैं सपोज करो, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे पार्क के लिए मना करते हैं आपको, पार्क मना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता जाने आने के लिए होता है, आप इस साइड पार्क कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे दुकानें वुकानें होती है ना, तो कई बार यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो येलो लाइन से दुकान की साइड, बाहर की साइड। अब दूसरी बात फिर उठती है बेटा, कि यहाँ पे आप रोकना, रोकना शहर के अंदर क्या होता है, कई बार आप रोक सकते हो थोड़ी सी देर के लिए, एक बंदा उठ के मान लो या कोई मिल गया रास्ते में, बात करने वाला मिल गया तो थोड़ा सा रोक सकते हो हल्का सा, पर आप वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। ये बेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है इसका, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट। बेटा एसएसबी ड्राइवर में आपको अनफिट क्यों किया, हाँ रीजन क्या था इसमें, क्या है, आयताकार चौखाना है एक, उसमें एक दूसरे को काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं हैं। हाँ ये बता दो बेटा कौन सा प्रश्न है ये। हाँ ये आयत बन गया आपका, चौराहे पे होता है ये, इस पे पीली लाइंस, इस पे बेटा ऐसे पीली लाइन है, यूं यूं काटती हुई ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर बाई द वे आप यहाँ से यूं जा रहे हो, ठीक है, आपको इसके ऊपर खड़ी नहीं करनी है गाड़ी, आपके आगे यहाँ गाड़ी खड़ी है, तो इसका मतलब आप इसके ऊपर लेके ही मत जाओ, क्योंकि आप आगे जाके यहाँ खड़े हो जाओगे फिर। इससे अच्छा है कि ये जब आगे निकल जाए तभी आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, यानी कि इस पे गाड़ी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि इस पे जो इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ना, वो लोग उनको दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। हाँ तो उस हिसाब से आपने पार करना, ताकि बीच में जाम ना लगे। तो वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाहनों को इसको तब ही पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त है, उसको तभी पार करो जब आगे आपके खाली जगह हो यहाँ पे, ठीक है, तभी आप पार करना स्टार्ट करें। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। 15 का बी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा। कंफ्यूजन में है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ध्यान से देखो इसको। मोटर गाड़ी में पिस्टन का कौन सा स्ट्रोक जिससे गैस को इनलेट मैनिफील्ड एवं इनलेट वाल्व के रास्ते सिलेंडर के अंदर चूस लेता है। गैस को नहीं चूसा जाता, मतलब एयर ली जाती है उसमें, गैस तो बाहर निकाली जाती है, अंदर लेने का मतलब है सक्शन, सक्शन या चूषण स्ट्रोक होता है ये, इसी की बात हो रही है ना। हाँ सक्शन स्ट्रोक, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, पहले ये लेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर फायरिंग ऑर्डर या पावर स्ट्रोक, आग जलेगी इसमें, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक बाहर निकाल देगा सब चीज़ों को, ठीक। इसके बाद ये देखो बेटा, फ्यूल सिस्टम का एक पुर्जा है, ठीक है, फ्यूल सिस्टम का, जिसमें छोटे छोटे कई पुर्जे शामिल होते हैं। इसमें बेटा कार्बोरेटर जो होता है ना, इसका काम होता है कि आपका हवा प्लस पेट्रोल, इसको क्या करना बेटा, मिक्स करना और फिर इंजन को देना। तो ये फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर फिर आपके कार्बोरेटर के अंदर क्या होता है बेटा, चोक वाल्व लगा होता है, ठीक है, और क्या लगा होता है बेटा, थ्रोटल वाल्व लगा होता है,
आपकी वेंचुरी, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कहता है ना छोटे छोटे कई पुर्जे शामिल होते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। वाल्व क्लिप बेटा, वाल्व के लिए लगाई होती है, छोटे मोटे नट बोल्ट होते हैं। कैम शाफ्ट जो होती है वो आपकी क्रैंक नीचे लगी होती है, एक कैम लगी होती है। कैम शाफ्ट क्या करती है बेटा, आपके जो इंजन के वाल्व होते हैं ना उनको खोलती और बंद करती है जरूरत पड़ने पे, कि चूसन स्ट्रोक के टाइम इनलेट वाल्व खोल दे, कंप्रेशन में और पावर में दोनों को ही बंद रखे, और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो तो गैस बाहर निकालने के लिए आपका एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दे वो, ठीक है। तो कैम शाफ्ट वो काम करती है आपकी। गजन पिन जो होती है वो आपकी जोड़ती है कनेक्टिंग रोड को पिस्टन के साथ, ठीक है, जोड़ने के लिए, जोड़ के तरह काम करती है। हाँ, कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल में हवा मिलाकर गैस बना देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर, जो आपका हवा प्लस पेट्रोल, इसको क्या किया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद जो बना उसको बोलते हैं मिक्सचर या मिश्रण भी बोलते हैं। कि दो प्रकार का होता है बेटा, एक तो होता है वीक या पुअर और एक होता है रिच। रिच कौन सा होता है बेटा, जिसमें पेट्रोल ज़्यादा हो। वीक कौन सा होता है बेटा, जिसमें एयर ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करते हो जनरली, आप जब कई बार ठंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम चोक लगाते हैं। चोक जैसे ही लगाओगे आप, तो क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा जाएगा, हवा कम कर देता है चोक, तो पेट्रोल ज़्यादा देता है, उस टाइम उसको बोला जाता है बेटा रिच मिक्सचर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले पीडीएफ में है, 19 में आ जा भाई। दुर्घटना क्यों होती है, ठीक है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तब होती है, नशे में गाड़ी चलाते हैं तब होती है, नींद में गाड़ी चलाते हैं तब होती है। सिंपल सी बात है, ये सभी आपके कारण आ जाएंगे। हाँ, यातायात नियम का पालन करना मतलब जहाँ ओवरटेक मना किया था वहाँ आपने ओवरटेक कर दिया, जहाँ आपको ब्रेकर का साइन दिखाई दिया गाड़ी धीरे करनी थी आपने गाड़ी धीरे ही नहीं की। हाँ, ये यातायात चिन्ह सीधा सीधा दिखा रहा है कि बाएं तरफ मुड़ना, और गोल साइन है, तो गोल साइन किस कोण से होते हैं बेटा, अनिवार्य होते हैं। और ये ध्यान रखना, जो दिशा वाले साइन होते हैं ना, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, वो किस में होते हैं बेटा, नीले वृत्त में होते हैं हमेशा, लाल यूज नहीं होता है उसमें, और नीले में हमेशा सफ़ेद अक्षर ही काम करेगा। तो आपका आएगा अनिवार्य बायां मोड़, ठीक। ये आपका दाई ओर मुड़ रहा है, पर दाई ओर में ऐसे नहीं मुड़ रहा, ये दाई ओर में ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा, यानी कि दो बार मुड़ा है दाई ओर। देखो ऑप्शन कोई है इसमें, दाई ओर दोहरा मोड़ है, तो आप गाड़ी धीरे कर ले, ठीक है ना, धीरे करके ही मुड़ पाएगी, नहीं नहीं मुड़ पाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चेतावनी का साइन है आपका, क्योंकि इसमें त्रिभुज भी दी हुई है, ये फिर एक चेतावनी का साइन है लाल त्रिभुज में, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। आप लेफ्ट मुड़ रहे हो और लेफ्ट बैंड हो रहे हो पूरा पीछे की तरफ, और फिर वापस आगे की तरफ हो रहे हो, तो इसका कोई है ऑप्शन, बाएं मुड़कर फिर आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, बाएं मुड़कर फिर आगे, ठीक है। हाँ, इसको कई बार ऐसे भी आ जाता है, लेफ्ट एयर पिन रिवर्स बैंड, ठीक है ना। हाँ, तो हेयर पिन की तरह ये घूमता है, जैसे पिन होती है ना आपके बालों में लगाते, वो ऐसी होती है ना, पर ये रिवर्स हो गया, फिर हेयर पिन की तरह हो गया, रिवर्स हो गया, तो ऐसे वर्ड भी कई बार इसमें आता है। ये साइन चाबी का दे रखा है, चाबी गाड़ी को खोलने पुर्जे खोलने काम आती है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ मरम्मत की बात हो रही है, तो मरम्मत की सुविधा का आ जाएगा ये। और इसमें आपकी लाइट जो है वो हरी वाली नहीं दिखा रखी है, ये हरी वाली आगे जाने के लिए होती है, ये आपकी कई बार हो तो इसका मतलब दाएं जाना है तो ये हरी है तो जाओ, नहीं है तो ना जाओ, आप सीधे जाते रहो बेशक। ये लेफ्ट वाली भी कई बार दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लेफ्ट की तरफ भी फ्री नहीं होता, कई कई जगह, हर जगह तो फ्री होता है, कई कई जगह जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो वहाँ लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट की बत्ती हरी है तो भी मुड़ो, नहीं तो ना मुड़ो, वेट करो। ये आपकी पीली लाइट होती है यहाँ पे, ये सारी बुझी हुई है,
जल कौन सी रही है बेटा, ये लाल लाइट जल रही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल बत्ती। ये साइन दे रखा है बेटा, शायद दिखाई ना दे रखा हो, जूम करूँ इसको थोड़ा मैं, ये बना ही देता हूँ ये साइन, है ना, ये साइन यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये साइन है, मैंने बताया था ये एक लाइन अगर ऐसे हो तो पार्किंग मना है, दूसरी लाइन ऐसे हो ना तो पार्किंग तो छोड़ो, गाड़ी रोकनी भी मना है, ठीक है। हाँ तो क्या आएगा बेटा इसमें, इसका मतलब आ जाएगा, सिंपल सी बात है, नो पार्किंग, डी ऑप्शन आ जाएगा कि वहाँ पार्क नहीं करना, ठीक। पुलिस वाले से अगर आप गलत व्यवहार करते हो तो कितने रुपये का चलान है, ये आपके बेटा एक धारा 179 है, उसमें ये कहा गया है कि अधिकारी, अधिकारी चाहे पुलिस का हो चाहे आपका ट्रांसपोर्ट का आरटीओ वगैरह हो, ठीक है, तो उसका मान लो आपने क्या होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसके निर्देश जो है वो न मानने पर या उससे बदतमीजी करने पर, उसकी बात ना मानो, कहता है गाड़ी रोको आप नहीं रोक रहे, उस स्थिति में 2000 रुपये का चलान है धारा 179 में, ठीक। ये भी आता है बच्चों को, बहुत बढ़िया। सीट बेल्ट ना पहनने पर सजा जो थी पहले 100 रुपये थी, अब बढ़ा के सीधा 10 गुना हो गई, यानी 1000 हो गई, ठीक है। ऐसा कब किया गया था बेटा, 2019 में जो आपका संशोधन किया था मोटर व्हीकल एक्ट में, तब किया था संशोधन जो है, वो कब आया था बेटा, 1 सितंबर 2019 में, ठीक। और सीट बेल्ट से रिलेटेड जो धारा है वो कौन सी है, 194B फॉर बेल्ट। 194 में कई सारी धाराएं हैं बेटा ऐसी, हेलमेट ना पहनने पर, ट्रिपल सवारी जाने पर, ओवरलोडिंग करने पर, ज़्यादा सवारी बिठाने पर, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर, और आपका हॉर्न या तो अनावश्यक बजाओगे या जहाँ ना बजाना है वहाँ बजाओगे, ये 6 प्रकार की, ये 7 प्रकार की इसमें धाराएं हैं बेटा। हाँ मैथ की और कोई मैराथन बता दो, मैंने आपकी 4-4 घंटे वाली सारी कंप्लीट कर दी बेटा। मैथ्स मैराथन बेटा हमारे इसी चैनल पे होगी, नोटबुक पे प्लेलिस्ट वगैरह में या तो देख लो, या संजीव सर मैथ मैराथन डालो, आप यूट्यूब पे डालो संजीव सर मैथ मैराथन तो शायद में भी आ जाए। हाँ चलो नेक्स्ट देखें। अब व्हील ड्राइव जो होता है उसमें 4x2 में 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपके ये दो व्हील लगे हुए आगे और ये दो व्हील लगे हुए आगे, ठीक है। अगर इंजन की पावर चारों को मिल रही है, आपके 4 पहिए हैं, ठीक है, ये क्या हो गए बेटा, पहिए। हाँ और ये वो पहिए हैं जिनको पावर मिल रही है, वो पहिए। इसमें क्या होता है कि कई गाड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें 2 को पावर मिलती है सिर्फ, तो 4x2 हो जाएगा, और कईयों में चारों को मिलती है तो वो 4x4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर पहले 4 को देखें तो इसका मतलब ये गाड़ी व्हील की संख्या को दर्शा रहा है ये, और ये 2 किसको दर्शा रहा है, ये वो पहिए हैं, ठीक है, जिनको पावर मिल रही है या जिनके एक्सल में पावर आ रही है, जिसका लाइव एक्सल है। एक होता है ना लाइव एक्सल और एक होता है डेड एक्सल, जो पहिए पीछे पीछे घसीटते रहते हैं, पावर उनमें नहीं जाती होती है। हाँ ठीक, ड्राइव व्हील भी कह देते हैं उनको, ड्राइव व्हील इसमें 2 है, ये वाले 2 क्या है बेटा, ये 2 जो है इसमें ड्राइव व्हील है, ये ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, और 2 जो है वो डेड ही मानो आप। ऑल व्हील ड्राइव भी बोलते हैं कई बार गाड़ी को ना, 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव एक ही हो जाता है एक तरह से। ओवरलोडिंग की बात कर रहे थे हम, अब यहाँ पे यात्रियों के ओवरलोडिंग की बात करता है तो वो बात करता है धारा 194 में एक ही, और उसमें बताया है
कि आपका जुर्माना जो होगा 200 रुपये प्रति एक्स्ट्रा यात्री होगा। एक एक्स्ट्रा बंदा चढ़ा लिया तो 200 रुपये लगेंगे। इसमें बस में जनरली आपने देखा है कि खड़ी सवारी पे ले जाते हैं, कोई जुर्माना नहीं होता, क्योंकि बस के लिए आपकी कौन सी कैटेगरी है, ओमनी बस। आप परिभाषा देखो मोटर व्हीकल एक्ट में पहले पार्ट में उसकी धारा 2 में, तो वहाँ आपको मोटर कार, मोटर कैब, मैक्सी कैब और ओमनी बस और स्टेज कैरीज, इनकी परिभाषाएँ दे रखी है। स्टेज कैरीज और ओमनी बस में क्या दिया हुआ है कि ड्राइवर को छोड़कर 6 से ज़्यादा यात्री बिठा के जो चलाया जाता है उसको ओमनी बस बोलते हैं। अब 6 से ज़्यादा कितने कम कितने ज़्यादा ये नहीं बताया हुआ, तो बस में तो ओवरलोडिंग का मान लो नहीं लगता, बट आपकी जैसे मोटर कैब है उसमें 6 ही यात्री होने चाहिए मैक्सिमम, और छोटी गाड़ी तो 5 भी हो सकते हैं, ओला में अगर स्विफ्ट लगा रखी है वो भी ड्राइवर समेत है 5, ठीक है। दूसरी बात, ड्राइवर प्लस 6 हो गए मोटर कैब में, मैक्सी कैब में आपके 12 तक हो गए ड्राइवर को छोड़कर, टोटल 13 सीटर, उससे ज़्यादा बिठाओगे वहाँ ये जुर्माना काम आएगा। हाँ, ओमनी बस बेटा बस को ही कहते हैं, बच्चों वाली बस नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले से गलत व्यवहार, शायद ये दोबारा आ गया, 2000 रुपये हो जाएगा बेटा धारा 179 में, ठीक। तो बेटा अभी के लिए इतने ही प्रश्न थे। आपका प्रैक्टिस सेट बेटा ये आपका यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, इसके अलावा हमारा जो कोर्स है जिसमें कि सारी क्लासेस हैं वो बेटा नोटबुक एकेडमी पे देख सकता है, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो। वो बेटा हैवी ड्राइवर बैच जो है, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइविंग और मेंटेनेंस, ये बेटा इसकी बहुत सारी क्लासेस इसमें, और जीएस भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिली हुई है। किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता हो तो वो उसका रिविज़न कर सकता है वहाँ, ठीक है। चलो बेटा अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, और 17 दिसंबर से आपकी तैयारी जो है ITBP की और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे EMRS के पेपर के बाद, ठीक है। चलो ओके बेटा, बाय बाय है।